शिरा जी का माननीय न्यायालय एवीडीएम दरभंगा के द्वारा विचार निगरानी किया गया है, जिसको आज तामिला किया गया। और ये एक महीने के अंदर अगर सरेंडर नहीं करते हैं न्यायालय में, टीम के पूरे घर की कुर्क कर ली जाएगी। दरभंगा में डॉक्टर के आवास पर बैंडबाजी के साथ पहुंची पुलिस, दहेज उत्पीड़न के मामले में चिपकाया इश्तिहार। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने दहेज प्रताड़ना मामले में फरार चल रहे कैदराबाद निवासी चिकित्सक डॉक्टर ऋषि राज पूर्वे के घर पर इश्तिहार चिपकाया है। अब पुलिस कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेगी। मालूम हो कि डॉक्टर अनामिका पूर्वे ने अपने पति डॉक्टर ऋषि राज पूर्वे सहित चिकित्सक ससुर और सास के खिलाफ 18 मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पीड़िता ने कहा था कि उनका शादी 2 वर्ष पहले हुई। शादी के बाद से ही पति सहित ससुराल के लोग दहेज की मांग करने लगे। विरोध के कारण लगातार सभी मिलकर प्रताड़ित करने लगे। डॉक्टर अनामिका ने ससुराल वालों पर दहेज में कार मांगने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी राज जो है फरार है, तो उसी का इश्तिहार आया है। अगर वो एक महीने के अंदर नहीं सरेंडर करते हैं माननीय न्यायालय में, तो माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार घर पर संपर्क ली जाएगी। मतलब मामले में फरार है, क्या मामला है, जानकारी मामला क्या है? किस मैंने किस मामले को लेकर इश्तेहार छपा गया? ऋषि राज जी का माननीय न्यायालय एवीडीएम दरभंगा के द्वारा विचार निगरानी किया गया है, जिसको आज तामिला किया गया। और ये एक महीने के अंदर अगर सरेंडर नहीं करते हैं न्यायालय में, टीम के पूरे घर की कुर्क कर ली जाएगी। दरभंगा में डॉक्टर के आवास पर बैंडबाजी के साथ पहुंची पुलिस, दहेज उत्पीड़न के मामले में चिपकाया इश्तिहार। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने दहेज प्रताड़ना मामले में फरार चल रहे कैदराबाद निवासी चिकित्सक डॉक्टर ऋषि राज पूर्वे के घर पर इश्तिहार चिपकाया है। अब पुलिस कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेगी। मालूम हो कि डॉक्टर अनामिका पूर्वे ने अपने पति डॉक्टर ऋषि राज पूर्वे सहित चिकित्सक ससुर और सास के खिलाफ 18 मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पीड़िता ने कहा था कि उनका शादी 2 वर्ष पहले हुई। शादी के बाद से ही पति सहित ससुराल के लोग दहेज की मांग करने लगे। विरोध के कारण लगातार सभी मिलकर प्रताड़ित करने लगे। डॉक्टर अनामिका ने ससुराल वालों पर दहेज में कार मांगने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी राज जो है फरार है, तो उसी का इश्तिहार आया है। अगर वो एक महीने के अंदर नहीं सरेंडर करते हैं माननीय न्यायालय में, तो माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार घर पर संपर्क कर ली जाएगी। मामले में फरार है, क्या मामला है, जानकारी मामला क्या है? किस मैंने किस मामले को लेकर इश्तेहार छपा गया? ऋषि राज जी का माननीय न्यायालय एवीडीएम दरभंगा के द्वारा विचार निगरानी किया गया है, जिसको आज तामिला किया गया। और ये एक महीने के अंदर अगर सरेंडर नहीं करते हैं न्यायालय में, टीम के पूरे घर की कुर्क कर ली जाएगी।